हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज बिल्डिंग। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कैसे हीलियोस्कोप सॉफ्टवेयर में साइन अप प्रोसेस करते हैं, फ्रेंड्स के बाद साइन अप करने के बाद कैसे उसको 30 डेज के लिए हम फ्री ट्रायल में यूज कर सकते हैं, और हीलियोस्कोप को यूज करने के तरीकों को मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया था। तो देखो दोस्तों, अब हम जानेंगे कि हीलियोस्कोप सॉफ्टवेयर में कैसे हम अपना सोलर प्रोजेक्ट को डिजाइन करते हैं। जैसे मैंने पिछली वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको स्टेप्स बताए थे, वैसे ही अब हम स्टेप बाय स्टेप को अपने प्रोजेक्ट को कम्प्लीट डिजाइन करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ये चैनल नया है और इसको सब्सक्राइबर की बहुत ज़रूरत है, तो सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। तो दोस्तों, न्यू प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको न्यू प्रोजेक्ट में क्लिक करना पड़ेगा। तो न्यू प्रोजेक्ट में क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का पेज ओपन होके आएगा, जिसमें आपने अपने प्रोजेक्ट नेम को फिल करना है, देन एड्रेस को, देन आपको प्रोफाइल जिसमें आपका प्रोजेक्ट टाइप होता है, देन डिस्क्रिप्शन, देन आपने क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। तो मैं कोई प्रोजेक्ट नेम दे देता हूँ, तो आप अपने हिसाब से अपने प्रोजेक्ट का कोई भी नेम दे सकते हैं। देन एड्रेस, तो एड्रेस आपको या फिर एड्रेस का सही लोकेशन डालना है या फिर आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के हिसाब से डालना है, तो वो आपकी लाइव लोकेशन बता देगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देहरादून सर्च करता हूँ, तो ये देहरादून की मेरे को लाइव लोकेशन दिखा देगा। तो इसी जगह में आपका प्रोजेक्ट होना चाहिए, तो इसी रेड डॉट में आपका प्रोजेक्ट होना चाहिए। सेकंड, आप दूसरा ऑप्शन, आप लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, जैसे मैं ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड डाल देता हूँ, तो आपका इसकी लाइव लोकेशन शो कर देगा। तो आपका इसी लाइव लोकेशन में आपका प्रोजेक्ट होना चाहिए। जैसे ये रूफ टॉप बता रहा है, तो मुझे पता है मेरी यही रूफ है जिसमें मैंने प्रोजेक्ट को अपना इंस्टॉल करना है, तो आप इस रूफ टॉप में अपना प्रोजेक्ट डिजाइन इसमें कर सकते हैं। देन आपको प्रोजेक्ट टाइप डालना है, आपका किस टाइप का प्रोजेक्ट है, कमर्शियल है या डिफॉल्ट ग्राउंड माउंटेड है या डिफॉल्ट रेजिडेंशियल। तो अभी मैं डिफॉल्ट कमर्शियल पे क्लिक कर दे रहा हूँ। देन मैं डिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ, आप अपने हिसाब से कोई सा भी डिस्क्रिप्शन अपने प्लांट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो मैं अभी एक डेमो टाइप में एक डिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ सोलर प्रोजेक्ट। देन क्लिक ऑन, देन आप क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है। क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा, जिसमें आपका लेफ्ट साइड में प्रोजेक्ट नेम जो आपने फिल किया था वही शो करेगा। देन उसके बाद आप उसको एडिट भी कर सकते हैं। देन आपका सोलर प्रोजेक्ट का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भी यहाँ पे शो कर रहा है। तो आगे फर्दर डिजाइनिंग के लिए आपने क्रिएटेड डिजाइन पे क्लिक करना है। क्रिएटेड डिजाइन पे क्लिक करने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन में डिजाइन वन आप अपने डिजाइन को किसी भी तरह से नाम दे सकते हैं। देन क्रिएटेड न्यू डिजाइन पे क्लिक करना है। क्रिएट ए न्यू डिज़ाइन पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होके आएगा, जिसमें ये जैसे मैंने पहले बताया था, आपको ये इंश्योर कर लेना है कि यही आपकी रूफ टॉप है कि जिसमें आप सोलर पावर प्लांट को डिज़ाइन कर रहे हो अपने हीलियोस्कोप सॉफ्टवेयर में। आपको बताने के लिए मैं अपनी रूफ को इसको मान लेता हूँ। देन आपको ये बताता हूँ कैसे हम रूफ की डायमेंशन लेंगे। तो सिलेक्टेड एरिया को लेने के लिए जिसमें हमने मॉड्यूल अपने माउंट करने हैं, उसको लेने के लिए आपने न्यू टैब पे यहाँ पे क्लिक करना है। न्यू टैब में क्लिक करने के बाद आपको माउस के साथ जुड़ा हुआ ग्रीन डॉट का इंटरफेस कुछ इस तरह से आएगा। आपने अपने रूफ के एज में एक साइड में लेफ्ट क्लिक करना है, देन हल्का सा उसे छोड़ देना है, देन उसके बाद अगेन लेफ्ट क्लिक करना है। एज टू एज में क्लिक करने के बाद आपको इस तरह क्लिक करते जाना है। देन फाइनली जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे आपको फाइनली एक और सिंगल क्लिक कर देना है, तो आपके मॉड्यूल सेलेक्टेड एरिया ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। देन मॉड्यूल भी आपके ऑटोमेटिकली उसी एरिया में माउंट हो जाएंगे, और जिस एरिया में मैंने अपने मॉड्यूल माउंट करने थे उस एरिया में मेरा मॉड्यूल भी ऑटोमेटिकली माउंट हो गया। तो लेफ्ट साइड में मेरे कुछ ऑप्शन ओपन हो गए, जैसे मॉड्यूल की क्वांटिटी 505 नंबर मेरे मॉड्यूल माउंट हो चुके हैं। देन ये टोटल कैपेसिटी बता रहा है 161.6 किलोवाट के मेरे मॉड्यूल यहाँ पे माउंट हो चुके हैं। देन यहाँ पे सिलेक्टेड जो एरिया मैंने पूरा सेलेक्ट किया है जहाँ पे मेरे मॉड्यूल माउंट हुए हैं, ये 21,018 फीट स्क्वायर का पूरा एरिया है जितना मैंने सेलेक्ट किया है और एरिया में मेरे मॉड्यूल माउंट हुए हैं, वो ये एरिया है। देन आप सेट मैक्स पे क्लिक करके अपना मैक्सिमम किलोवाट इंस्टॉल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने 100 किलोवाट यहाँ पे सिर्फ 100 किलोवाट ही शो करना है, तो वह उतना मॉड्यूल आपको ऑटोमेटिकली हटा देगा। देन जितने मॉड्यूल 100 किलोवाट के लिए सफिशियंट है वो उतने ही मॉड्यूल वहाँ पे शो करेगा। जैसे कि आपका 100 किलोवाट के लिए 312 मॉड्यूल यहाँ पे सेलेक्ट होने चाहिए, तो 312 मॉड्यूल ही ये टोटल यहाँ पर अवेलेबल होंगे। तो फिलहाल मैं सेट मैक्स साइज पे क्लिक नहीं कर रहा हूँ, आप इसको क्लियरली समझाने के लिए मैं सेट मैक्स किलोवाट पीक पे क्लिक नहीं कर रहा हूँ। देन डिस्क्रिप्शन में आपका फील्ड सेगमेंट वन, आप अपने हिसाब से अपना फील्ड सेगमेंट को रीनेम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने प्रोजेक्ट डिज़ाइन वन करके या डिज़ाइन टू करके सेलेक्ट करना है, तो आप उस तरह भी सेलेक्ट कर सकते हैं। देन में नेक्स्ट ऑप्शन है मॉड्यूल मेक का। मॉड्यूल मेक आपको कौन सा मेक रखना है मॉड्यूल, अभी आप इसने ऑटोमेटिकली सेलेक्ट किया है ट्रिना सोलर का, और ये उसका मॉडल नंबर है 320 वाट पिक का एक मॉड्यूल है, तो उस हिसाब से इसने सेलेक्ट किया है। आप अपने हिसाब से भी अपने मॉड्यूल को सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ वारिका 335 का पॉलीक्रिस्टलाइन का मैं मॉड्यूल लगाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे ये इसका आ गया वारी WSM 335
उसका मॉडल नंबर आ गया, तो इसको सिलेक्ट करके मेरे मॉड्यूल यहाँ पे मुवारी के ऑटोमेटिकली आ गए। देन उसके बाद यहाँ पे रैकिंग बता रहा है, रैकिंग मीन्स आपका ये कई सारे ऑप्शन है इसमें, जैसे फ्लश माउंट रैकिंग, ईस्ट वेस्ट रैकिंग, कॉर्पोरेट शेड स्ट्रक्चर। तो आप इसमें से जैसे फ्लश माउंट रैकिंग का मतलब आपका एक माउंट शेप में इसका शो आ जाएगा। सो अपने प्रोजेक्ट का भी ये टॉप व्यू है, तो इसको 3D डिज़ाइन में देखने के लिए आपको शिफ्ट क्लिक के साथ लेफ्ट क्लिक, माउस के लेफ्ट क्लिक से ड्रैग करना है, तो आपको ये 3D डिज़ाइन में इस तरह शो कर देगा। ये देखिए, तो मैंने अभी फ्लश माउंट ट्रैकिंग में क्लिक किया है, तो ये इस तरह का इसने माउंट बना दिया। देन अगर मैं ईस्ट वेस्ट ट्रैकिंग में क्लिक करूंगा, तो ईस्ट वेस्ट ट्रैकिंग में क्लिक करने के बाद मेरे जो ईस्ट वेस्ट में मॉड्यूल फेसिंग हो जाएगा, मतलब ईस्ट कुछ मॉड्यूल ईस्ट की तरफ फेस कर देंगे और कुछ मॉड्यूल वेस्ट की तरफ फेस करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल मैं इसको चूज ना करके मैं अभी फिक्स टिल्ट ट्रैकिंग में ही रख रहा हूँ, ये मान के कि जो मेरा प्रोजेक्ट इस साइट में इंस्टॉल हो रहा है वो फिक्स टिल्टेड है। देन नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें हाइट, आप किस हाइट में अपने मॉड्यूल को माउंट करने। फॉर एग्जाम्पल मैं 20 फीट है मेरी बिल्डिंग की हाइट, हाइट का मतलब यहाँ पे बिल्डिंग की हाइट से मतलब है कि कितने बिल्डिंग हाइट पे मेरा है। तो अगेन मैं शिफ्ट के साथ अगर लेफ्ट माउस के लेफ्ट क्लिक के साथ ड्रैग करूंगा, तो इस तरह से मेरा 3D व्यू के साथ मेरी हाइट ये ऑटोमेटिकली आपको दिखेगी कितनी हाइट पे मेरे मॉड्यूल ऊपर माउंट हो चुके हैं, तो ये आप देख सकते हैं इस हिसाब से। देन नेक्स्ट ऑप्शन है एजूमर, एजूमर मीन्स आपका जो मॉड्यूल है वो ट्रू साउथ की डायरेक्शन, यदि वो ट्रू साउथ की डायरेक्शन में है तो वो ईस्ट या वेस्ट में कितना एंगल घुमा हुआ है, तो ये एजूमर एंगल कहलाता है। जितना डिग्री एंगल वो ईस्ट या वेस्ट की डायरेक्शन में घुमा हुआ हो, तो वह जो एंगल होगा वह एजूमथ एंगल कहलाएगा। बाकी सिंपली आप वैसे जैसे ये लाइन है, तो इस लाइन के मिड पॉइंट में आप राइट क्लिक मार के सेट एजूमथ ऑटोमेटिकली, या उसी डायरेक्शन में उसी लाइन के डायरेक्शन में आपने सोलर पैनल के डायरेक्शन को ऑटोमेटिकली चेंज कर देगा। जैसे इस लाइन में आप राइट क्लिक मारोगे तो वो उस लाइन में ऑटोमेटिकली चेंज कर देगा। बट मुझे पता है कि ये ट्रू साउथ के डायरेक्शन में ही नहीं घूमे, तो क्योंकि नॉर्थ आपका ये शो कर रहा है, नॉर्थ आपका इस साइड से है और नॉर्थ के डायरेक्शन आपकी ये साइड है और साउथ के डायरेक्शन आपकी ये साइड है। तो इसको ट्रू साउथ में लाने के लिए मैं यहाँ पे मैनुअली अपना एजूमथ एंगल सेलेक्ट करूंगा, तो मैं 180 डिग्री अपना एजूमथ एंगल रख रहा हूँ, क्योंकि मॉड्यूल अगर ट्रू साउथ हो तो इरेडिएशन लॉस कम से कम होता है और आपको आउटपुट में ज़्यादा ऑप्टिमल पावर मिलती है। देन नेक्स्ट है टिल्ट, टिल्ट में जो मॉड्यूल का टिल्ट एंगल होता है मतलब कितने डिग्री एंगल पे वह झुका हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू लेटिट्यूड ऑफ देहरादून मेरा टिल्ट एंगल होना चाहिए 30 डिग्री, तो मैं 30 डिग्री अपना टिल्ट एंगल रख दे रहा हूँ। ओके, तो अभी तो मेरे मॉड्यूल डिफॉल्ट माउंट है, कैसे इनकी पिच टू पिच इनकी डिस्टेंस करनी है, देन उसका कितना साइड बैक होना चाहिए, कितनी इसके डिस्टेंस होनी चाहिए, तो इनके मॉड्यूल टू मॉड्यूल के बीच की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, तो इनको अभी अरेंज करना है, तो आगे आगे देखते जाइए। देन नेक्स्ट टेबल है हमारी ऑटोमेटिक लेआउट रूल्स में, हमारी जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है फ्रेम साइज, फ्रेम साइज मीन टेबल साइज, आप टेबल साइज अपने मॉड्यूल का कितना बनाना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अभी डिफॉल्ट सेलेक्ट हुआ है 1x1 का, तो 1x1 का यहाँ पे मॉड्यूल है, मतलब एक एक करके यहाँ पे मॉड्यूल सेलेक्ट हुए हैं। देन अभी फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 3x1 कर देता हूँ, तो 3 अप में हो गया, 1 वाइड में होगा, तो ये देखिए 1 2 3, 1 2 3 करके मेरा मॉड्यूल सेलेक्ट हो गए। एंड डिफॉल्ट ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन में लैंडस्केप में रखना चाहते हो या पोर्ट्रेट में रखना चाहते हो, तो उस हिसाब से आप अपने साइट के अकॉर्डिंग आप अपने मॉड्यूल का ओरिएंटेशन चूज कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं लैंडस्केप में क्लिक कर दे रहा हूँ। देन उसके बाद रो स्पेसिंग, रो स्पेसिंग मीन्स पिच टू पिच डिस्टेंस, मतलब एक रो से दूसरी रो के बीच की दूरी। तो शेडिंग एनालिसिस के थंब रूल के हिसाब से रो टू रो के बीच की डिस्टेंस एक टेबल के या एक रो के परपेंडिकुलर हाइट के 1.5 टाइम्स होती है, मींस उस डिस्टेंस के 1.5 गुना होती है। तो रो टू रो के बीच के डिस्टेंस को समझने, अगर आपको पहले से समझ में आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो मैं आपको इसमें आपको दिखा देता हूँ कि कैसे इसको रो टू रो के बीच के डिस्टेंस को कैसे डिनोट करना है। तो अभी रो टू रो के बीच के डिस्टेंस को 6 फीट कर देता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे डिस्टेंस देखे मेरे मॉड्यूल के जो टेबल साइज है उनके बीच की डिस्टेंस ज़्यादा हो गई। और अगर मैं इसको 8 कर देता हूँ, तो जैसा मैंने अभी थंब रूल बताया था उसका मतलब यह है कि जो मेरी रो टू रो की मतलब एक रो मेरी ये है और एक रो मेरी ये है और ये साउथ डायरेक्शन है, मेरी टेबल टिल्ट हो रखी है, तो ये वाली रो और ये वाली मॉड्यूल की पूरी रो इस इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी जो ये हाइट है इसकी परपेंडिकुलर हाइट इस वाली रो की टेबल की ये परपेंडिकुलर हाइट के 1.5 टाइम्स होगी। फॉर एग्जांपल अगर ये वाली हाइट मेरी 2 मीटर होगी, तो मेरी ये वाली डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक के बीच की डिस्टेंस मेरी 3 मीटर होगी, इट्स मीन इस वाली हाइट का ये 1.5 टाइम्स होगा। एंड अगर ये वाली हाइट मेरी 6 मीटर है, तो इससे और इससे भी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मेरी 9 मीटर होगी। तो ये होता है रो टू रो के बीच के डिस्टेंस। ओके,
बट अब ये क्वेश्चन होता है कि ये पता कैसे करें कि ये वाली हाइट इस डिस्टेंस की 1.5 टाइम्स है। तो इसका हेलियोस्कोप में सब इजी तरीका है देखने का, ये जो स्पैन अपॉन राइस का फॉर्मूला यहाँ पे लगाया है 1.6 आ रहा है। तो जैसे मैंने कहा था 1.5 टाइम्स होती है हाइट के डिस्टेंस उसकी हाइट के, तो ये 1.6 बता रहा है। तो इसका मतलब जो मेरी रो टू रो के बीच की डिस्टेंस है 8 फिट, अगर मैं 8 फिट इन दोनों के बीच की डिस्टेंस रख रहा हूँ तो मेरा स्पैन अपॉन राइज 1.6 आ रहा है। स्पैन मीन्स ये जो परपेंडिकुलर हाइट है और राइज मीन्स ये जो डिस्टेंस है, तो स्पैन अपॉन राइज ही 1.6 आ रहा है। तो ये एग्जैक्टली बिल्कुल सही आ रहा है। उसके बाद है मॉड्यूल स्पेसिंग। मॉड्यूल स्पेसिंग को देखने के लिए हम इसमें फिर से टॉप व्यू करेंगे। देन टॉप व्यू में देखने के लिए फॉर एग्जाम्पल मैं मॉड्यूल स्पेसिंग डालता हूँ 1 फिट, तो मेरा प्रत्येक मॉड्यूल के बीच में स्पेस आ जाएगा। जैसे जूम करने पर 1 फिट का डिस्टेंस है, क्योंकि मैंने 1 फिट यहाँ पे शो किया है, तो मेरा मॉड्यूल मेरी मॉड्यूल टू मॉड्यूल डिस्टेंस 1 फिट हो जाएगी। तो मैं इसको फिलहाल 1 फिट ना 0.1 फिट कर दे रहा हूँ, 0.1 फिट कम से कम इसको 1.2 इंचेस इसमें डिस्टेंस रहेंगी विंड प्रेशर के लिए, ताकि इसमें ज़्यादा विंड प्रेशर। तो इसको जूम करने पर आप देख सकते हैं कि हल्का सा इसमें डिस्टेंस आ गई है। ये डिस्टेंस लगभग होगा 1.2 इंचेस के बराबर है। तो ये काफ़ी है मॉड्यूल टू मॉड्यूल डिस्टेंस के बीच, ताकि विंड इसमें इजिली क्रॉस हो सके। देन फ्रेम स्पेसिंग। फ्रेम स्पेसिंग मीन जैसे आपने मॉड्यूल यहाँ पे सेलेक्ट किया है 3x1 का, तो उस 3x1 को ये डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 1 कर दिया, तो फ्रेम स्पेसिंग 1 फिट करने के बाद जो मेरा 3x1 का टेबल था उसने उसको सेपरेट कर दिया। ये 3x1 का ये मेरा सिंगल टेबल बन गया, ये सिंगल सिंगल टेबल उसने बना के मुझे अलग अलग दे दिया। तो इसको मैं 0 रख देता हूँ फिलहाल फ्रेम स्पेसिंग को। स्पैन राइज तो आप समझ चुके होंगे कि ये कैसे है इसको कैलकुलेट। देन जीसीआर। जीसीआर मीन ग्राउंड कवरेज रेशियो। ग्राउंड कवरेज रेशियो मीन्स मॉड्यूल एरिया अपॉन टोटल कवरेज एरिया, मीन्स आपका मॉड्यूल ने कितना एरिया कवर किया है अपॉन मॉड्यूल एरिया क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, आपका जो मॉड्यूल एरिया है टोटल वो यहाँ पर है 21,018 स्क्वायर फीट, बट आपका मॉड्यूल एरिया कम लेगा, क्योंकि अगर मॉड्यूल टू मॉड्यूल के बीच की डिस्टेंस अगर मैं 0 कर दूँ, सब चीज़ की बीच बीच की 0 कर दूँ, तो एक मॉड्यूल एरिया मेरा निकल के आ जाएगा वो मॉड्यूल एरिया डिवाइडेड बाय दिस एरिया। तो ये मेरा ग्राउंड कवरेज रेशियो आ जाएगा जो मेरा बता रहा है 0.58। ओके, देन टाइम ऑफ द डे आपको शेडिंग एनालिसिस को देखने के लिए आपको अपने हिसाब से टाइम चूज कर सकते हैं। वो अभी मैंने ये मैक्सिमम टाइम को सेलेक्ट किया है, तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने साइट के अकॉर्डिंग अपना टाइम को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने अभी डिफॉल्ट टाइम लेके ही रखा है। देन आपका नेक्स्ट ऑप्शन आता है सेटबैक। सेटबैक मीन्स जो आपके बाउंड्री वॉल है, जो आपने सेलेक्टेड एरिया सेलेक्ट किया है, इसके चारों तरफ में आपने कितना एरिया मार्जिन करके छोड़ना है। ये एरिया इसलिए छोड़ा जाता है, फॉर एग्जाम्पल आपके रूफटॉप एरिया में पैराफिट वॉल है, तो पैराफिट वॉल की हाइट होने से, क्योंकि उसके शेडिंग पड़ती है ईस्ट टू वेस्ट शेडिंग पड़ती है, नॉर्थ साउथ की शेडिंग पड़ती है, तो अगर मैं इसको 0 कर, सेटबैक फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 0 है, अगर मैं 0 सेलेक्ट करता हूँ तो मेरे कुछ और मॉड्यूल यहाँ पे इंक्रीज हो जाते हैं। ये देखेंगे कुछ मॉड्यूल मेरे और इंक्रीज हो गए। और अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे मार्जिन लेकर चलता हूँ कि 5 फिट के दायरे में मैंने कोई मॉड्यूल यहाँ पे सेलेक्ट नहीं करने है, तो मेरे उतने मॉड्यूल यहाँ से कम हो जाएंगे। इट मीन मेरी जो शेडिंग दिखाएगी पैराफिट वॉल की, वो चारों तरफ इस तरह दिखाएगी कि जो मेरे मॉड्यूल है वो उसके अंदर ही रहें, शेडिंग में ना आए। तो इसलिए मैंने 5 फिट की डिस्टेंस यहाँ पे सेलेक्ट की है। तो अगर मैं 6 करता हूँ तो मेरे मॉड्यूल और कम हो जाते हैं इससे, तो देखो ये इस हिसाब से और कम हो गए। तो अभी फिलहाल 0 ही रख के मैं सेटबैक करता हूँ। तो आपने अपने साइट के अकॉर्डिंगली अपने सोलर पावर प्लांट के अकॉर्डिंगली सेटबैक को चूज़ करना है। देन उसके बाद लास्ट ऑप्शन आता है इसमें अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का मीन्स आपने जो मॉड्यूल रखने हैं वो मिडिल में रखने हैं या साइड से ही रखने हैं। तो फिलहाल मैं, क्योंकि मेरा टू साउथ इस साइड है, तो मेरे क्रॉस सेक्शन में मेरे रूफ के क्रॉस सेक्शन में मेरे मॉड्यूल माउंट हो रहे हैं, तो मैं अभी इसको मिडिल करके इसका अलाइनमेंट करूँगा। तो ये पूरा पूरा टोटली अलाइनमेंट हो चुका है। तो आप इसको जूम इन करके या जूम आउट करके इजिली देख सकते हैं। देन आपको टेबल साइज, देन इसको शिफ्ट, देन शिफ्ट के साथ आप इसको लेफ्ट क्लिक के साथ ड्रैग कर सकते हैं आप अपने मॉड्यूल को देखने के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्त। होप आपको पूरा ये मैकेनिकल ऑप्शन पूरा इजीली समझ में आ चुका होगा। अगर आ गया है तो नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।